भैया दौज के दिन निकट के तारी पतो गांव में एक भरद्वाज ब्राह्मण रहते थे जिनकी बेटी थी चिंतामणि। वो अपनी बेटी को लेके यमुना जी स्नान को आए, देखे यमुना जी के तट पे कथा हो रही है, कोई विप्र देवता कथा कह रहे हैं। जाके बैठ गए, कथा ऐसी सुंदर, विभोर हो गए, कथा पे भी विभोर हो गए, कथा सुनाने वाले पे भी विभोर हो गए। कथा पूरी होके गोस्वामी जी जो कुटिया में चले गए, तब उस भरद्वाज ब्राह्मण ने पूछा गांव वालों से, ये पंडित जी कौन हैं जो कथा सुना रहे थे? इसी गांव के हैं महाराज, तुलसीदास जी नाम है, सरयू पारीण ब्राह्मण हैं, विवाह हो गया? नहीं। गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं या विरक्त रहना चाहते हैं? बोले हमने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन अभी तो स्थिति इनकी एकदम वैराग्य वाली है, ब्रह्मचारी जैसी स्थिति है। बस भरद्वाज ब्राह्मण के मन में बस गए गोस्वामी जी, वो अपनी बेटी चिंतामणि के लिए कोई विलक्षण वर ढूंढ रहे थे। चिंतामणि भी विलक्षण थी, जैसा उनका नाम था वो वैसी ही थी, उससे कम नहीं थी, वो चिंता ही मणि थी। तब गांव वालों से आग्रह किया, मेरी बेटी विवाह योग्य है, आप अपने इन तुलसीदास जी से मेरी बेटी का विवाह करा दीजिए। ग्रस्त होना कोई बुरी बात तो नहीं है, बड़े बड़े महात्मा लोग ग्रस्त हुए हैं। गांव वालों ने कहा महाराज प्रार्थना तो कर देंगे पर वो स्वीकार करें तो जरूरी नहीं है। गांव वालों ने कहा गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, मुझे ब्रह्मचारी रहना और ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जाना है। उन्होंने भी भरद्वाज जी को कह दिया महाराज वो विवाह करने को राजी नहीं है। लेकिन भरद्वाज जी अड़ गए, तुलसीदास जी से तो कुछ नहीं कहा। निकट में चंद्रधर शंकर भगवान का मंदिर था, वो ब्राह्मण वहां अनशन करके पड़ गए भोले बाबा के मंदिर के द्वार पे। अनशन, महीनों अनशन किया उन्होंने। अब भोले बाबा जल्दी राजी हो जाते हैं, प्रकट हुए, कहो ब्राह्मण देवता क्यों मरने को बैठे हो यहां अनशन करके? बोले महाराज कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी का तुलसीदास जी के साथ विवाह करवा दो। वो हृदय में बस गए, और कोई वर नहीं, बस वही चाहिए तुलसीदास मुझको। हमने कहा मानते नहीं है, भोले बाबा ने कहा ठीक है हम आज्ञा करेंगे। तब भोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए, गोस्वामी जी हाथ जोड़े। भोले बाबा ने कहा तुलसीदास जी विवाह कर लीजिए, उन्हीं भरद्वाज ब्राह्मण की पुत्री से ब्याह कर लीजिए। तुलसीदास जी कहे प्रभु मेरा तो यही विचार था, विरक्त रह के जीवन का निर्वाह करूं। कर लीजिए प्रभु, ग्रस्त तो बंधन है, ग्रस्त में जाऊंगा तो जो सेवा कार्य गुरु लोग बताए वो नहीं होगा, बंधन में हो जाऊंगा, ग्रस्त से निकलना तो कठिन है। हम कह रहे हैं ना आपके लिए ग्रस्त बंधन नहीं होगा। देखो तुलसीदास, बंधन मोह है, बंधन शरीर और संसार और वस्तु की आसक्ति है। बंधन ना ग्रस्त है, न ब्रह्मचर्य है, न वानप्रस्थ है। प्रभु को छोड़ के अन्य नाशवान वस्तु की आसक्ति ही बंधन है। तो ग्रस्त मुझे बांधने वाला तो नहीं होगा, अरे तुमको आगे बढ़ाने वाला होगा, कर लो ब्याह, वो चिंतामणि तुम्हारे लिए ही बनी है। आज्ञा कर दिए भोले बाबा, और भोले बाबा की आज्ञा से गोस्वामी जी विवाह कर लिए।